गुड इवनिंग। मैं अभी आया हूँ, एक कविता पेश करने की आज्ञा चाह रहा हूँ। डॉक्टर रविंदर की कविता है एक नदी का शब्द चित्र। ये हम पहले इसी चैनल में इंग्लिश के अनुवाद के साथ प्रस्तुत कर चुके हैं, पर अब मेरी ख्वाहिश ये हुई है, मेरी इच्छा हुई है कि ये मैं पूरी की पूरी इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लूँ। आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से पढ़ पाऊँगा। एक नदी का शब्द चित्र। नदी ने तो बस बहते जाना है, इसके नीर में कोई अश्रु बहा ले, चाहे इसमें जहर घोले, चाहे तो मन का मैल धोले, या बनकर अपनी आत्महत्या का इष्टहार इसमें डूबना चाहे, चाहे चलाए इसमें कागज की किश्तियां, या डाल डाल बोतलों में पता रहित प्रेम पत्र फेंकता जाए, होती नहीं आपत्ति नदी को कदापि। इसने तो अपने किनारों के बीच बस बहते जाना है, यदि एक किनारे पर खड़े दूसरे से संबोधित हुए कोई ऊंचे स्वर में विलाप करे तो भी नदी भावक नहीं होती, मगर सुनती किसी गंभीर चरोता की तरह और बढ़कर थोड़ी देर मुस्कुरा देती है स्वयं में। मंदाकिनी के प्रतिबिंब को कई समझ बैठते हैं, इसके घर जाता रास्ता अपने पथ भ्रष्ट होने का अपराध मगर धरते हैं इसी के सर। किनारे काटते उसके तेज बहाव को समझते कई निमंत्रण आलिंगन के लिए बुत बन जाते तुरंत उसके हाथ के हिम्मत स्पर्श से। कभी किसी रात को किनारे अगी झड़बड़ी में धूं धूं जलता कोई बदन समझे के बन गया मशाल और पथ दर्शन बनने का ईकरे पेशकश ठुकरा दे, मगर ना करे गुरेज धन्यवाद करने से औपचारिक। उसके किनारे उगा हर वृक्ष तरसे छाया करने के लिए उस पर मांगे सिला, तथापि इस एहसान का मगर नहीं देती नदी आ गया के बने छाया या धूप का कोई टुकड़ा इतिहास बने उसके बदन का। ऐसा सुना गया है अक्सर के डूब जाते हैं परवीन तैराक इसे पार करते हुए और हो गए सफल अनजान कई इसके विपरीत। शर्त यह है मगर के दिखाए कोई साहस तैरने का कच्चे घड़े पर, वह जो अधूरे रिश्तों को बहाए जा रही है, तो उस बेचारी का तो नहीं कोई दोष, उसने तो बस बहते ही जाना है। तो हिंदी का मैंने ये आपको सुना दिया है, पंजाबी और इंग्लिश का पहले सुना बैठा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं।
आशा है कि ये आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा अगर आप ये सुनना चाहें तो सुन लें, थोड़ा सा। ये भी अमृत खां हैं और यमन बजा रहे हैं सुर बहार पे। जहाँ तक सुनना चाहें सुन ले, उसके बाद आप काट डालें। धन्यवाद।